हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। आज का वीडियो में हम देखेंगे बच्चों को एडिशन विद कैरिंग कैसे सिखाना है। एडिशन सिखाने का एक प्रॉपर वे होता है, जो मैंने अपने एडिशन वाले वीडियो में बताया था कि कैसे जब बच्चे एलकेजी यूकेजी में होते हैं, नंबर्स सीखने के बाद, बिग एंड स्मॉल नंबर सीखने के बाद, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, उनको पहले पिक्चर एडिशन के थ्रू एडिशन सिखाया जाता है, फिर पिक्चर्स को काउंट करके नंबर्स लिख के उन नंबर्स को ऐड करना सिखाया जाता है, फिर हॉरिजेंटल में बच्चे को एडिशन सिखाया जाता है, फिर उन्हीं नंबर को कॉलम में लिख कर कैसे ऐड करना है ये सिखाया जाता है, थ्रू नंबर लाइंस, थ्रू फिंगर्स, या फिर थ्रू जो लाइंस ड्रॉ करते हैं बच्चे उस तरह से। तो एडिशन सिखाने का जिस तरह से एक प्रॉपर वे होता है, उसी तरह से एडिशन विद कैरिंग सिखाने के लिए भी कुछ चीजें आपको पहले सिखानी होगी बच्चे को, सो दैट वो प्रॉपर कैरिंग कर पाए और प्रॉपर एडिशन कर पाए विदाउट एनी मिस्टेक्स। सो आइए देखते हैं एडिशन विद कैरिंग सिखाने के लिए आपको बच्चे को पहले क्या क्या सिखाना है। तो स्टार्ट विद, हम बच्चे को फैक्ट्स समझाएंगे कि एडिशन में क्या रूल्स होते हैं, क्या फैक्ट्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम बड़ों के लिए नंबर्स ऐड करना एक गेम है, लाइक ऑन डेली बेसिस हम छोटे बड़े नंबर्स ऐड करते रहते हैं। हम बहुत सालों से नंबर्स जानते हैं, 1000 crores तक हम नंबर्स जानते हैं, बट बच्चे अभी छोटे हैं, उन्होंने अभी अभी 100, 1000, 2000 नंबर्स सीखे हैं। तो जब आप उनको एडिशन सिखा रहे हैं, एडिशन विथ कैरिंग सिखा रहे हैं, तो एक प्रॉपर वे जरूर फॉलो करिए। सबसे पहले हम बच्चे को फैक्ट समझाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट्स लिख रखे हैं जो उनको हेल्प करेंगे। इन फैक्ट को आप थोड़ा सा उनको प्रैक्टिस करवाइए। जैसे कि पहला फैक्ट है, जब भी आप किसी नंबर को 1 ऐड करते हो तो उसका नेक्स्ट नंबर आएगा। ये फैक्ट जब हेल्प करता है तब बच्चा कैरी करता है, यानी जब वो एडिशन करता है और एडिशन के टाइम पे जब वो नंबर को कैरी करता है, 1 को कैरी करता है, तो उसको नेक्स्ट नंबर आएगा, ये उसको पता होना चाहिए, सो दैट वो क्विकली एडिशन कर पाए। तो ये एक फैक्ट है, एडिंग 1 टू एनी नंबर विल गिव यू द नेक्स्ट नंबर। एडिंग 1 टू एनी नंबर, यानी किसी भी नंबर को जब आप 1 ऐड करोगे तो वो नेक्स्ट नंबर देगा। तो ये एक फैक्ट है। इसके अलावा दूसरा फैक्ट है, जब भी आप किसी भी नंबर को 0 ऐड करोगे तो सेम नंबर आंसर आएगा। एडिंग 0 टू एनी नंबर विल गिव यू द नंबर इटसेल्फ। 0 + 2 = 2, 8 + 0 = 8। 55 को भी, किसी भी बड़े नंबर को भी अगर आप 0 ऐड करोगे तो 55 ही आएगा। तो इन दो फैक्ट्स को समझाने के लिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है इस टेक्स्ट बुक में। ये मेरे बेटे की टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एडिंग 1 टू एनी डिजिट विल गिव यू इट्स नेक्स्ट नंबर। इसी तरह से 0 ऐड करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस यहाँ पे दी गई है, 6 + 0, 0 + 3, 5 + 0। तो जब भी आप 0 ऐड करोगे तो सेम नंबर आएगा। तो इस तरह से ये दो फैक्ट्स हैं। इसके अलावा जो थर्ड फैक्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एडिंग 2 नंबर्स इन आइदर ऑर्डर गिव्स यू द सेम आंसर। आइदर ऑर्डर मतलब जो एक ऑर्डर होता है, यहाँ पे 35 + 23 ये एक ऑर्डर है। अगर आप इस ऑर्डर को उल्टा कर दोगे, 23 + 35, तो भी आपको आंसर सेम आएगा। यहाँ पे देखिए, 35 + 23, इसको आप अगर उल्टा करके ऐड करोगे, 23 + 35, ये सेम आंसर देगा। पहले आप सिंगल डिजिट से स्टार्ट करिए, पहले 4 + 3 = 3 + 4 ये समझाइए, सिंगल डिजिट आप समझाइए। यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, 4 + 3 = nothing but 3 + 4। इस तरह से आप कुछ प्रॉब्लम्स दीजिए सो दैट बच्चा समझे कि ये दोनों एडिशन सेम आंसर देगा। इसी तरह से 1 + 2 = 2 + 1, 2 + 3 = 3 + 4। सो ये कॉन्सेप्ट उनको याद रहना चाहिए, ये फैक्ट उनको याद रहना चाहिए। इसके बाद फोर्थ फाइनल फैक्ट है, व्हेन वी ऐड 2 नंबर्स द सम इज मोर देन आइदर ऑफ द 2 नंबर्स। यानी जब भी आप 2 नंबर ऐड करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो उन दोनों नंबर से बड़ा होगा जिसको आप ऐड कर रहे हो। जैसे कि 2 + 4, जब आप 2 और 4 ऐड करोगे, यहाँ पे आंसर 6 है, और 6 जो है वो 2 से भी बड़ा नंबर है, बिगर नंबर है, एंड 4 से भी बिगर नंबर है। तो ये भी उनको पता होना चाहिए। सो ये 4 फैक्ट्स है जिनकी आप प्रैक्टिस आप बच्चे को जरूर कराइए। कुछ एक्सरसाइजेस दीजिए जहां पे कुछ नंबर्स को 1 ऐड करने के लिए दीजिए, कुछ नंबर्स को 0 ऐड करने के लिए दीजिए, कुछ एक्सरसाइजेस इस तरह से सिंगल डिजिट एंड डबल डिजिट करवाइए जहां पे आंसर सेम आ रहे हैं, तो उनको इसका आइडिया मिल जाएगा कि इस फैक्ट का मतलब क्या है, इस फैक्ट का मतलब क्या है।
इसके बाद एक दो दिन इन फैक्ट्स को समझाने के बाद आप एडिशन विद कैरिंग सिखा सकते हैं, बट उससे पहले दो इम्पोर्टेंट चीजें आप बच्चे को जरूर प्रैक्टिस करवाइए, वो है एडिशन ऑफ थ्री डिजिट्स। आप पूछेंगे थ्री डिजिट्स क्यों सिखाना जरूरी है, क्योंकि जब भी नंबर्स ऐड हम करते हैं और जब नंबर ऐड करने के बाद दो डिजिट आता है तो हम टेंस वाला नंबर कैरी करते हैं, और जब कैरी करते हैं ना तो बच्चे को तीन डिजिट ऐड करना होता है, तो उससे भी बच्चे को फेमिलैरिटी होनी चाहिए कि तीन डिजिट को कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्री डिजिट ऐड करना आप बच्चे को जरूर समझाइए। कैसे समझा सकते हैं, एक एग्जाम्पल ले लीजिए तीन डिजिट को ऐड करने का, जैसे कि 3 + 5 + 1। तो बच्चे को समझाइए हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 5 3 + 5। सो इन दोनों को ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, बिगर नंबर इज 5, तो 5 इन द माइंड 3 ऑन द फिंगर, 5 6 7 8, 8 इज द आंसर। तो 8 इसका आंसर है। फिर जो आंसर इसको ऐड करने पे हमें मिला, हम इसको जो रिमेनिंग नंबर है उसको ऐड कर देंगे, 8 + 1। दोबारा हमें 8 को 1 ऐड यहाँ पे करना है, तो 8 और 1 में 8 बिगर नंबर है तो हम 8 को माइंड में रखेंगे, 8 इन द माइंड 1 ऑन द फिंगर, 8 + 1 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे देखिए प्लस 1 करने से उसको ऐड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी फैक्ट सीख रखा है कि जब भी आप 1 ऐड करोगे किसी नंबर को तो उसका नेक्स्ट नंबर आएगा, तो 8 + 1 गिव्स यू 9। तो इस तरह से तीन डिजिट बच्चे को ऐड करना सिखाइए, हॉरिजेंटली वर्टिकली दोनों उनको फेमिलियरिटी होनी चाहिए। तो 1 + 3 + 6 इज इक्वल टू हाउ मच, सो 1 + 3 पहले उनको ऐड करना है, 1 + 3 इज 4, देन 4 इन दोनों का आंसर जो है वो है 4, तो 4 + 6 हम करेंगे फिर से, तो 4 + 6, सो 4 and 6 से 6 बड़ा है तो हम 6 को माइंड में रखेंगे, 6 इन द माइंड 4 ऑन द फिंगर, तो 6 7 8 9 10 इस तरह से। सो तीन डिजिट वाले नंबर एडिशन भी आप बच्चे को जरूर सिखाइए, एडिशन ऑफ थ्री डिजिट्स। इस तरह से कुछ एग्जांपल्स दीजिए और बच्चे को थोड़ा प्रैक्टिस करवाइए, जिससे एडिशन इन विथ कैरिंग करने में बच्चे को हेल्प होगी। इसके अलावा एडिशन विथ कैरिंग सिखाने से पहले बच्चे को टू डिजिट एडिशन आना भी जरूरी है, सिर्फ सिंगल डिजिट नहीं दो डिजिट ऐड करना भी बच्चे को आना जरूरी है, क्योंकि बच्चे को टेंस प्लेस वंस प्लेस में नंबर्स लिखना और पहले वंस प्लेस को ऐड करना है उसके बाद टेंस प्लेस को ऐड करना है इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। तो बच्चे को जब आप एडिशन विद कैरिंग सिखा रहे हैं तो उससे पहले थ्री डिजिट नंबर सिखाइए ऐड करना, और उसके बाद इस तरह से डबल डिजिट्स नंबर्स को भी ऐड करना सिखाइए, फॉर एग्जाम्पल 45 + 32। तो 45 + 32 ऐड करने के लिए बच्चे को पहले यहाँ पे टेंस एंड वंस की हेडिंग डालनी है, फिर 45 नंबर को यहाँ पे लिखना है, 4 इन द टेंस प्लेस 5 इन द वंस प्लेस, देन 32 को 3 इन द टेंस प्लेस एंड 2 इन द वंस प्लेस। फिर इन नंबर्स को ऐड करने के लिए स्टार्ट उनको वंस प्लेस से करना है, तो 5 2, तो पहले वंस प्लेस हम ऐड करेंगे, 5 इन द माइंड क्योंकि 5 बिग नंबर है यहाँ पर, 2 ऑन द फिंगर हम लेंगे, तो 5 इन द माइंड 2 ऑन द फिंगर 5 6 7, तो इस तरह से 7 उनको यहाँ पे लिखना है, वंस की प्लेस के जो कॉलम है वंस की जो कॉलम है उसके नीचे ही लिखना है। देन टेंस हम ऐड करेंगे, 4 + 3, 4 इन द माइंड 3 ऑन द फिंगर 4 5 6 7, तो इस तरह से 77 इज द आंसर। तो बच्चा जब थ्री डिजिट एडिशन करना सीख ले, एडिशन विदाउट कैरिंग यानी कॉलम्स में लिखना और दो दो डिजिट को ऐड करना विदाउट कैरिंग सीख ले, इस तरह से यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, इन नंबर्स को वो ऐड करना सीख ले जहाँ पे कैरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, तब आप एडिशन विथ कैरिंग उनको सिखा सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं कैरिंग बच्चे को हम कैसे सिखाएंगे। 28 + 45, एड 28 and 45। हमेशा एडिशन करने के लिए बच्चे को टेंस एंड वंस की नॉलेज होना जरूरी है, तभी वो नंबर को टेंस कॉलम में और वंस कॉलम में प्रॉपरली लिख पाएगा। तो पहले हम हेडिंग डालते हैं टेंस एंड वंस की, 28 को 45 ऐड करना है, तो हम पहले 28 को ब्रेकअप करेंगे और लिखेंगे 28 में 8 इन द वंस प्लेस एंड 2 इन द टेंस प्लेस, इस तरह से लिखना बच्चे को आना चाहिए। 45,
फाइव इन वंस प्लेस एंड फोर इन टेन प्लेस. और हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एडिशन. एडिशन अब नंबर्स को ऐड करना है. हमेशा एडिशन वंस प्लेस से स्टार्ट होता है, तो हम पहले वंस प्लेस में जो एट एंड फाइव है इसको ऐड करेंगे. एट और फाइव में एट इज द बिगर नंबर, तो एट इन द माइंड एंड फाइव ऑन द हैंड, फाइव ऑन द फिंगर्स. तो एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, तो आंसर क्या है, एट प्लस फाइव आपको मिल रहा है थर्टीन. थर्टीन समझाने के लिए, थर्टीन कैसे लिखना है ये समझाने के लिए, आप थर्टीन को पहले ब्रेक करके उनको समझाइए कि थर्टीन में वन टेन एंड थ्री वंस होते हैं, राइट. वन टेन्स एंड थ्री वंस. थर्टीन में जो वंस प्लेस डिजिट है थ्री, इसको हम यहाँ लिखेंगे, और जो टेन्स प्लेस का नंबर है जो वन यहाँ पर है, इसको हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. यानी हम इसको कैरी करके यहाँ पर टेन्स प्लेस में लिख देंगे, क्योंकि ये टेन्स है ना, वन टेन्स है, तो हम टेन्स प्लेस में लिखेंगे. हम यहाँ पे वंस कॉलम में उसको नहीं लिख सकते, तो थर्टीन का जो वंस नंबर है वो यहाँ लिखेंगे और टेन्स का जो नंबर है वो यहाँ पे लिखेंगे. अब हमको क्या करना है, टेन्स प्लेस टेन्स कॉलम को ऐड करना है. टेन्स कॉलम में हम देख सकते हैं वन टेन्स टू टेन्स एंड फोर टेन्स. तो पहले हम वन एंड टू को ऐड करेंगे. वन एंड टू को जब आप ऐड करते हो तो आंसर आता है थ्री, क्योंकि जब भी आप किसी नंबर को वन ऐड करते हो तो उसका नेक्स्ट डिजिट आपको मिलता है. तो टू प्लस वन इज थ्री. थ्री के बाद हमको दोबारा फोर उसको ऐड करना है. तो फोर इन द माइंड थ्री ऑन द फिंगर्स, सो फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन इज द आंसर. तो इस तरह से आप उनको समझाइए. तो जब भी आप कॉलम, जब भी आप प्रॉब्लम समझा रहे हो, तो टू स्टार्ट विथ पहले बच्चे को टेन्स एंड वंस की हेडिंग लिखने के लिए कहिए. टेन्स एंड वंस के नीचे प्रॉपरली नंबर्स डिवाइड करके लिखने के लिए कहिए कि 28 कैसे लिखना है, 45 कैसे लिखना है. फिर वंस कॉलम को ऐड करने के लिए कहिए, और जो भी आंसर उनको मिलता है, लाइक 13, 13 में जो भी वंस डिजिट होता है वो यहाँ पे लिखना है, और टेन्स डिजिट हमको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना है, और उसके बाद जो थ्री डिजिट आप यहाँ पे टेन्स कॉलम में देख रहे हैं उसको उनको ऐड करना होगा. वन प्लस टू प्लस फोर इज सेवन. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल, 61 प्लस 29. 61 प्लस 29, पहले हमें वंस डिजिट ऐड करने होंगे. तो वंस कॉलम में 1 एंड 9 है, 1 प्लस 9 इज 10. तो 10 में हम देख रहे हैं 1 टेन्स एंड 0 वंस. तो वंस में जो नंबर आप देख रहे हैं उसको हमें वंस कॉलम में लिखना है, और जो टेन्स डिजिट है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और टेन्स वाले कॉलम में लिख देंगे 1. उसके बाद हमको इन तीन डिजिट को ऐड करना होगा, 1 प्लस 6 प्लस 2. तो पहले बच्चे को 1 प्लस 6 करना है, दैट इज 7, देन 7 प्लस 2 दैट इज 9, सो 90 इज द आंसर. सो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, एडिशन विथ कैरिंग कैसे करवा सकते हैं. इन डिटेल यहाँ पे लिखा गया है विथ पिक्चर. सो 28 प्लस 45 को कैसे ऐड करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब आप बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करिए कि क्यों कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद टेन्स प्लेस में क्यों लिखना है, और कैसे तीन डिजिट को ऐड करना है. उसके बाद आप कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स दीजिए और बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए कहिए. इसके अलावा हम बच्चे को एडिशन की वोकैबुलरी भी सिखाएंगे जब हम बच्चे को एडिशन सिखा रहे हैं, सो दैट जो एडिशन वाले नंबर प्रॉब्लम्स होते हैं वो करने में उनको आसानी हो. यहाँ पे कुछ वोकैबुलरी है, एक दो बार ही उनको पढ़ के सुनाइए, एक दो बार उनको पढ़ने के लिए कहिए. प्लस एड सम बोथ इंक्रीज टुगेदर कंबाइंड इन ऑल टोटल मोर एडिशन, ये सारी टर्म्स, ये सारी जो वोकैबुलरी है, ये सारी जो वर्ड्स है, ये जनरली एडिशन वाली वर्ड प्रॉब्लम्स में देखने को मिलते हैं. जैसे कि व्हाट इज द सम ऑफ बोथ नंबर्स, इस तरह से वर्ड यूज होता है. या फिर हाउ मच इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर, इंक्रीज. या फिर हाउ मच ऑल टुगेदर, टुगेदर, ऑल टुगेदर.
जैसे कि व्हाट इज द सम, हाउ मेनी पेंसिल्स बोथ ऑफ देम हैव, या फिर व्हाट डू यू गेट व्हेन यू कंबाइन, हाउ मेनी इन ऑल, व्हाट इज द टोटल, हाउ मेनी मोर पेंसिल्स इन द बॉक्स. इस तरह से ये टर्म्स ना नंबर प्रॉब्लम्स में होते हैं और इन वर्ड्स की नॉलेज होने पे ना बच्चों को ये आइडिया मिल जाता है कि नंबर प्रॉब्लम में एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है. तो ये एडिशन वोकैबुलरी है. और एडिशन विथ कैरिंग सिखाने से पहले क्या क्या आपको बच्चे को सिखाना है ये मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फैक्ट्स. जब आप फैक्ट्स समझा रहे हैं बच्चे को कुछ एग्जांपल्स दीजिए और उनको ऐड करने के लिए कहिए. जैसे कि हर नंबर को वन ऐड करने पे क्या आंसर आता है, इस तरह की कुछ एक्सरसाइजेस दीजिए. जीरो ऐड करने पे क्या आता है, इस तरह की एक्सरसाइजेस दीजिए. देन ये एक फैक्ट उनको समझाइए, ये फैक्ट उनको समझाइए. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है थ्री डिजिट एडिशन और जो एडिशन विदाउट कैरिंग यानी कॉलम वाइज जो एडिशन होता है दो दो डिजिट का, वो जरूर प्रैक्टिस करवाइए. उसके बाद ही आप एडिशन विद कैरिंग पे जाइए. और कैसे समझाना है ये मैंने इस वीडियो में आपको बताया है. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा. वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें. हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.